वेलकम बैक टू द मंथ्स यूनिक स्टाइल। तो चलिए बनाना सीखते हैं मलाई से घी और पनीर दोनों। हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं हम मलाई से घी और पनीर कैसे बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मलाई को 4 से 5 घंटे के लिए हमने बाहर रख लिया था और अब इसे हम थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखनी है कि 1 हफ्ते से ज़्यादा की मलाई आपकी ना हो, क्योंकि अगर 1 हफ्ते से ज़्यादा की मलाई होगी और उसका आप पनीर बनाएंगे तो उसका टेस्ट है जो थोड़ा खट्टा आएगा। तो कोशिश कीजिए कि 1 हफ्ते के अंदर ही आप इसे गर्म कर लीजिए और आप बड़ा ही अच्छा पनीर और घी दोनों इससे निकाल सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें से पनीर अलग निकल चुका है और घी अलग से निकलना शुरू हो गया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। सिर्फ आपको 5 मिनट तक ही इसको ऐसे पकाना है और उसके बाद हम इसे छान लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इसे अच्छे से छान लिया है और छल्ली में हमारा पूरा का पूरा पनीर निकल आया है और नीचे पूरा का पूरा घी जमा हो गया है। और इस पनीर का चाहे तो आप पनीर की भुजी बनाइए, इसके पराठे बनाइए, ये टेस्ट में बिल्कुल सेम वैसा ही आपको लगेगा। और इस घी को हम 4-5 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि जितना भी घी है वो ऊपर की तरफ जम जाए और इजीली उसे निकाल कर हम इसे गर्म कर सकें। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको 4-5 घंटे फ्रिज में रखने के बाद ये घी कुछ इस तरीके से आपको नज़र आएगा। जितना भी घी है ये पूरा ऊपर जम जाएगा और जितना भी इसमें एक्स्ट्रा वाटर है वो नीचे बैठ जाएगा। तो अब हम इसे निकाल लेंगे और इसे गरम कर लेंगे। और ये हमारा पनीर निकल गया है इसमें से। इसका आप चाहे तो कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, इसकी पनीर की भुजी बना सकते हैं, इसके परौंठे बना सकते हैं, जो आपका मन करे आप इसे उस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से आप चाकू से कट लगा लीजिए और इसे बड़ी आसानी से आप इस तरीके से निकाल लीजिए और इसे कढ़ाई में डाल लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इसके नीचे का जो ये पानी बच गया है, आप चाहे तो इसमें आटा बना सकते हैं। पूरी के लिए इसका आटा अगर बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा बनता है, तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। और इस घी को अब दोबारा हम कढ़ाई पर रख देंगे और ये 5 से 10 मिनट के बीच में ही पूरा का पूरा घी बनकर रेडी हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, 5 से 10 मिनट के बीच में ही हमारा घी बिल्कुल बनकर तैयार, और कितना बढ़िया बनकर ये तैयार हुआ है ये आप देख सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा भी यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।